सत श्री अकाल जी। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा सा ASSST क्लास के विच। तो अच्छ दा छोटे वीडियो आ रहे हैं जो पटवारी भर्ती के नाल संबंधित, जिस दे विच सानू MCQ महत्वपूर्ण MCQ दी वीडियो थोड़े तक पहुँचने की जा रही है। जो पटवारी भर्ती की थोड़ी भर्ती चल रही है उसके थोड़ा जहाँ साडे वालों भी योगदान। तो शुरू करते हैं जी अज के वीडियो के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक अंत तक देखना और बड़े ध्यान देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो थोड़े तक लैके आए हैं। शुरू करते हैं जी अज का साडा जो पहला क्वेश्चन है जी, ध्यान देख लो। पहला है जी राष्ट्रीय खेड दिवस कदों मनाया जाता है। ऑप्शन थोड़े को 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। चार ऑप्शन है, इसके अंदाजा लगाना असी नाल दी नाल कमेंट बॉक्स में भी तुसी अपने आंसर लिख सकते हो, बाद में उन्होंने चेक कर सकते हो कि तुहाडा आंसर की सही है किन्ने। इस दे विच तुहानू जो क्वेश्चन पहला तो ही आने हैं। इस तरह अभ्यास के नाल साडा जो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके दे नाल होएगा। तो बार बार वीडियो देख के वीडियो और सही आंसर है जी इसका ऑप्शन सी 29 अगस्त। 29 अगस्त वाले दिन हैगा जो मेजर ध्यान चंद हाकी के जादूगर हुए हैं, उन्हों का जन्मदिन होंगे, तो उस दिन ही साडा खेड दिवस जो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साढ़े को साल 2016 साहित्य नोबल पुरस्कार किसनों मिले है। साल 2016 साहित्य नोबल पुरस्कार किसनों मिले है? बाब डायनल, टॉनी मोरिसन, डेविस कॉक्सन, जान बोस्को। इस सही आंसर रहेगा जी साढ़े को चारे ऑप्शन थोड़े को, और आंसर थोड़े को स्क्रीन उपर डिस्प्ले हो चुका है। ऑप्शन ए बाब डायनल, ठीक है जी। इसका सही आंसर की रहेगा बाब डायनल 2016 साहित्य विच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिले सीगा बाब डायनल। वीडियो चंगी होवे लास्ट तक जरूर देखना। और अभ्यास सब तो जरूरी है जी। भारत का पहला पायलट कौन सी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। ऑप्शन थोड़े सामने है, देख लो डिस्प्ले हो चुके हैं। इसके जो सही ऑप्शन है JRT टाटा, सही नाम है फुल नाम तो नहीं लिखा हुआ, जहांगीर रतन जी दादा भाई कोई टाटा, इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है साढ़े को हवा की रफ्तार मापन लिए किस यंत्र की वरतू की जाती है? अक्सर ही यह क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम के आ चुका है। ऑप्शन थोड़े को डिस्प्ले हो चुकी है, तो इस सही है जी ऑप्शन। हाँ जी लगाओ जी अंदाजा, बिल्कुल सही अंदाजा ला रहे हो। और कोशिश करनी इस तरह अमीनोमीटर जरा अनीमोमीटर जरा हवा को मापने वाले यंत्र। अगला क्वेश्चन है जी सिक्स मशीन किस मशहूर खिलाड़ी की स्वै जीवनी है? सिक्स मशीन किस मशहूर खिलाड़ी की स्वै जीवनी है? क्रिस गेल, युवराज सिंह, रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी। तो इस दे सही आंसर है साढ़े को जी, थोड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ये क्रिस गेल जो जिन्हों की यह जी सिक्स मशीन है वह स्वै जीवनी है। अगला क्वेश्चन भारत में अंग्रेजी किस राज की अधिकारिक भाषा है? किस राज की अधिकारिक भाषा है अंग्रेजी भारत? ऑप्शन जो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। सही ऑप्शन है जी ऑप्शन सी नागालैंड, ठीक है जी। जो आधिकारिक भाषा है यानी कि उस समय दी नागालैंड, जो नागालैंड है उसकी जी अंग्रेजी है, ठीक है। भारत के आधिकारिक भाषा वजो जो काम होंदा है उस अंग्रेजी भाषा के। अगला हैगा जी चिपको अंदोलन भारत में किसने शुरू किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। हेमवती जिहड़े क्वेश्चन दे ऑप्शन तुहाडे कोले स्क्रीन ते डिस्प्ले होए आ, तां इसका सही जो रहेगा आंसर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, तो इस नूं जरूर अपने कोले रिवीजन करना। को सुंदर लाल बहुगुणा जो इसका सही आंसर है जी, सुंदर लाल बहुगुणा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जी साढ़े कोले टेल ऑफ ट्यू सिटीज का लेखक कौन सी? चार्ल्स डिक्सन, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क हाइसन। था सही ऑप्शन ऑप्शन ए चार्ल्स डिक्सन जो इसका लेखक है, इस किताब के लेखक ने, ठीक है, चार्ल्स डिक्सन।
अगला क्वेश्चन है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रधान कौन सा ने, भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। इंडियन एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुंदर नाथ बनर्जी, बद्रुद्दीन त्यागी। तो सही आंसर है जी डब्ल्यू सी बनर्जी। 1885 ईस्वी में इस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, और एओ ह्यूम जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इसकी स्थापना के, सूरजी मंडल में गलैक्सी का हिस्सा है, किस सॉरी सूरजी मंडल किस गलैक्सी का हिस्सा है। ठीक है जी, ऑप्शन थोड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे, अंदाजा लगाते रहना नाल नाल कमेंट बॉक्स में, असं अपना आंसर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन साढ़े सामने सामने इसके ऑप्शन है, तो इसका हाँ जी असं अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसका सही आंसर है जी बी मिल्की वे। जो सूरजी मंडल है वो मिल्की वे जी गलैक्सी है उसका हिस्सा है। मदर टेरेसा जिन्होंने संती उपाधि ताजपोशी की गई है वो किस देश के सन, हाँ जी किस देश के सन मदर टेरेसा जिन्होंने संती उपाधि जी उन्हें ताजपोशी की गई है। ऑप्शन थोड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण लैके प्रश्न जो थोड़े को आए हैं। वीडियो चंगी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, अगे तो अगे वीडियो नू। बेल्जियम रोमानिया अल्बानिया ते भारत इन्हां दे विचों ते अल्बानिया जिहड़ा सा सही आंसर है जी ऑप्शन सी। ठीक है जी अल्बानिया। तो असं कह रहे कि वीडियो अगे तो अगे शेयर जरूर करो, चैनल सबसक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाला हरेक वीडियो तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। घंटी वाले बटन प्रेस करना ना भुल्यो। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों किहड़ा ग्रह सूरज के दुआले क्लॉकवाइज नहीं घूमता। क्लॉकवाइज क्वेश्चन ध्यान जरूर पढ़ना, नहीं घूमता लिखा बुध शुक्र। ठीक है, तो इतने थोड़ी मिसटेक हुई है टाइपिंग के, शुक्र दो बार लिखा गया जुपीटर। का सही आंसर ऑप्शन बी शुक्र। ठीक है जी, जिहड़ा इसका सही आंसर है शुक्र है। अगला क्वेश्चन है जी, साढ़े को साल 2011 पैरा ओलंपिक खेडा में मारियप्पन तानगेविलोना ने केड़ी खेड विच गोल्ड मैडल हासिल किया। ठीक है, थानगेविलोना वैलू ने केड़ा जिहड़ा वो किया, तो हाँ जी इसका सही आंसर रहेगा जी गोल्ड मैडल प्राप्त किया 2016 की पैरा ओलंपिक के हाई जंप के ऑप्शन बी हाई जंप के। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी साढ़े को, किस साल गांधी इवरन समझौते ते दस्तखत हुए सन। किस साल गांधी इवरन समझौते ते दस्तखत हुए सन, 13 1921 1929 1931। सही जो ऑप्शन डी 1931 5 मार्च 1931 जरा इसका आंसर है जी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा 1931 ईस्वी। ठीक है जी, 5 मार्च अगर लिखा गया तो यह ध्यान में रखना, कि कई बार अगर डेट भी आ जाती तो सानू याद रहे 5 मार्च 1931। हाँ जी, अगला जो साडा क्वेश्चन हैगा जी रीजनिंग दे विचों आ, तो बड़े ही ध्यान दे नाल इस क्वेश्चन नूं असीं देखना, हेठ दित्ती लड़ी नूं पूरा करो। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आउंदे आ जी, बहुत ही आसान है, बस लॉजिक नूं समझ लेना, घबराउणा बिल्कुल भी नहीं। ए जैड बी वाई खाली स्थान सानूं दित्ता गया प्रश्न चिन्ह, उसनूं असीं पूरा करना ई वी एफ यू जी टी एच एस। तो ध्यान नाल देखो, पहले और तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है उसनूं ध्यान नाल देखो, हरेक सीरी हरेक वर्ड दे विच ए बी ई एफ जी एच नाल तुहानू सज्जे हाथ उपर देखोगे तुहानू मैं दिखा होया तो खाली स्थान है, उस विच असीं वर्ड भरने। उस तरह ही दूसरे और चौथे नंबर दे देखो जैड वाई वी यू टी एस, यानी कि जे असीं पिछले पासे देखिए तो टी एस यू वी वाई एफ। तो ध्यान दे नाल देखो ए बी सी डी मिसिंग है। ठीक है, एक तो सी डी आना पहले और दूसरे नंबर से, और तीसरे और पहले और तीसरे नंबर से, और चौथे और जिहड़ा दूसरा नंबर उसकी सीरीज असीं पूरी करांगे तो टी एस टी यू वी डबल्यू एक्स वाई जैड। तो दिखाई गई है स्क्रीन, ध्यान दे नाल देखते हुए देखो, इसका सी जिहड़ा सही ऑप्शन रहेगा, सी डी भी आ गया, एक्स डबल्यू है जिहड़ा वह भी साढ़े को आ गया। बड़े ही सिंपल जिहा, बस लॉजिक समझना इस दे विच, होर कुछ नहीं रीजनिंग दे विच। हेर दित्ती लड़ी नूं विचों जिहड़ा असी गलत संख्या केड़ी है वह देखनी है। हुण साढ़े को लड़ी दित्ती गई है, सब तो पहला उही ध्यान दे नाल उसकी जिहड़ी सीरीज बन के दर आई है, जिमें 9 19 40 83 170 340। तां सीरीज बन किस तरह रही है, नाल ही तुहानूं उपर डिस्प्ले हो रहा होना स्क्रीन के उपर कि सीरीज किस तरह बन रही है। तो सब तो पहला 9 नूं 2 दे नाल गुणा कीती 18 प्लस 1 कर रहा 19 हो गया जी,
फिर 19 नू 2 नू नाल मल्टीप्लाई किया 38 प्लस 2 हो गया 40 हो गया जी। फिर 40 नू 2 दे नाल असी मल्टीप्लाई करते हैं तो साढ़े को 80 और प्लस 3 जिहड़ा 3 प्लस हो रहा है वो जिहड़ा वर्ड असी अंक लिखा हुआ उसका सीरीयस नंबर है इनके किन्ने नंबर थे हम 83 किन्ने 3 नंबर थे तो उसका 83 हो गया। फिर 83 नू 2 नाल किया 166 प्लस 4 नंबर थे तो 4 प्लस हो गया। फिर 170 साढ़े को आंसर आता है 170 नू 2 नाल करांगे 340 प्लस 5 होएगा क्योंकि वह पंजवें नंबर पर है 345 जिहड़ा इत्थे आना चाहिए सी असी गलत संख्या दसनी आ तो जी गलत संख्या इस दे विच 340 है तो ऑप्शनस दे विच असी देखिया 340 डी है तो इसका सही जिहड़ा आंसर होएगा ऑप्शन डी 340। ठीक है जी अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग विचों हेठ दित्ती लड़ी नू पूरा करना तो लॉजिक नू समझना जिस तरह मैं पहले दस्सिया घबराउणा बिल्कुल भी नहीं 10 का स्केयर किया गया जी 10 नू 10 नाल गुणा की 100 और उस दे विच 9 मेंस किए गए 91 उस तरह ही 9 का स्केयर करो 9 81 81 दे विचों माइनस करो 9 जी तो 72 यानी कि जो दिता हुआ स्थान असी पूरा करना उत्थे किन्ना आना जी 72 तो जिहड़ा इस आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा वह ऑप्शन ए होएगा जी 72 लॉजिक नू समझना जी। ठीक है जी 10 का स्केयर 9 का स्केयर और दोनों के विचों माइनस किया होया 9 तो उस तरीके इसका जिहड़ा आंसर साढ़े को आएगा 72 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जी साढ़े को 18 नंबर के भी रीजनिंग संबंधित है जी। देखो जी हेठ दित्ती लड़ी नू पूरा करना बहुत ही सिंपल है जी 1-1 माइनस होकर अगे लड़ी बन रही है तो असी देखना कि 1-1 माइनस के नाल लास्ट के अक्षर आएगा 975 के 111 माइनस किया 864 864 चो 111 माइनस किया 753 753 के 111 माइनस किया यानी कि 111 माइनस किया 642 तो 642 के फिर 111 माइनस करते हैं तो साढ़े को आंसर आना चाहिए 531 तो इस जो 531 है चार ऑप्शन के ध्यान न देखो किनवे नंबर कि ऑप्शन है जी ऑप्शन ए जिहड़ा इसका राइट आंसर होएगा 531 जिहड़ा इसका आंसर आ जाएगा। इन्हों की प्रैक्टिस के नाल जिनी ज़्यादा प्रैक्टिस करांगे उन्ना ज़्यादा अभ्यास के नाल जो क्वेश्चन सानू बहुत परिपक्व हो जाएंगे। इफ 111 225 111 336 111 447 दैन कहिंदा 111 7 बराबर किन्ना होएगा तो नाल तुहानू सॉल्व करके दस्या गया जी 111 नू उन्होंने प्लस प्लस किया होया और अखीरला जो अंक हैगा 2 3 4 और 7 उसनू एज इट इज लिख के प्लस जी प्लस वाली संख्या हैगी उस बाद लिखा गया नाल डन करके तुहानू दस्या भी गया तो इसी तरह इस सीरीज़ नू बनाउंदे जाना हैगा। इहदे विच 6 मिस किया होया 5 मिस किया होया मैं उस सीरीज़ नू पूरा किया होया तुसी सज्जे हाथ देख सकते हो इस तरह तुसी इस सीरीज़ नू पूरा करो जदों 111 प्लस करन तों बाद 3 प्लस 4 7 हो गया जी तो लास्ट के देखो 3 जदों प्लस 7 करांगे 10 हो जाएगा। ठीक है और 10 दे नाल फिर असी की लगावांगे 7 अगे आ जाएगा 10 पिछे यानी कि सही ऑप्शन बी 710 इस अभ्यास के नाल तुहानू जिहड़ी क्वेश्चन आउणगे और लास्ट क्वेश्चन अज दा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कदों मनाया जाता है 11 मार्च 1909 तो हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर जी जिहड़ा तुसी अंदाजा लगा रहे हो ऑप्शन सी। अगर वीडियो चंगी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बहुत बहुत।